अयोध्या राम जन्मभूमि थाना अंतर्गत पुलिस चौकी कटरा क्षेत्र के विभीषण कुंड के हरिदास नगर की बाग में एक अज्ञात 45 वर्षीय मजदूर की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने जाकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान व उसका पता नहीं चल सका। ज्ञात हो कि विभीषण कुंड वार्ड के हरिदास नगर में बीती रात एक मजदूर को अज्ञात हत्यारों ने धारदार हथियार से गला रेत कर उसके चेहरे पर कई बार वार करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी सुबह लोगों के द्वारा पुलिस को मिली। सूचना पाकर मौके पर एसएसपी सुभाष सिंह बघेल, एसपी सिटी अनिल कुमार सिसोदिया, राजू कुमार साव सीओ, अयोध्या कोतवाल विनोद बाबू मिश्रा और आरजेबी थाना अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, कटरा चौकी करमबीर सिंह आदि घटनास्थल पर पहुंचे तथा बारीकी से जांच पड़ताल किया। सीओ अयोध्या ने बताया कि यह घटना 10 बजे रात की है और अभी इसके बीच में ही घटना हुआ है और कहा स्थानीय लोग देखकर स्थित बता रहे हैं कि लेबर है, बाहर का है, यहाँ लोकल अयोध्या का नहीं है और जो लेबर यहाँ पर उठते बैठते हैं। इस दौरान टीम ने भी घटनास्थल के जांच की, पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त व मृतक मजदूर का नाम पता नहीं चल सका है। आज तकरीबन 7 बजे के लगभग में 100 नंबर पर सूचना आया कि एसएसपी भवन के पास सुतटी कॉलोनी के तरफ एक रास्ता गया है, वहाँ पर झाड़ियों के पास एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। मौके पर 100 नंबर गाड़ी आई, तस्दीक हुआ सूचना, हम लोग भी पहुँचे हैं तो डेड बॉडी को देखकर हालत ये लगता है कि इसे बुरे तरीके से ब्रूटली चाकुओं से कई बार किया गया, 8-10 चोटें शरीर पर चेहरे पर मारा गया है और संघर्ष के निशान है। इसे लगता है कि एक से ज़्यादा लोग रहे होंगे और इनमें आपस में किसी बात को लेकर संघर्ष हुआ है और चाकू से ही मारा गया है। 8-10 घंटे पहले की ये शव की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8-10 घंटे पहले ये घटना हुई होगी। अभी स्थानीय लोगों से सबसे चेहरा दिखवाकर फोटो लिया गया और अगल बगल क्षेत्र में भी दिखवाया जा रहा है। तस्दीक हो जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये घटना सूचना तो आज सुबह 7 बजे ही मिला, लेकिन शारीरिक स्थिति को देखकर लगता है 8-10 घंटा पहले, तो 10 बजे रात से लेकर और अभी इसके बीच में ही ये घटना हुआ है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कहाँ का है, कहाँ की है। नहीं, अभी स्थानीय लोग जो देख कर स्थिति बता रहे हैं कि लेबर है, बाहर का है, यहाँ लोकल अयोध्या का है नहीं, और जो यहाँ पर लेबर उठते बैठते वहाँ के एक दो लोगों ने बताया जी ये लेबर ही है, आता होता था, चाय पीता था। लेकिन फैजाबाद जनपद के मवई थाना अंतर्गत भेलसर चौकी के पास एक परिवार को बंधक बना के लाखों के जेवर व 8,000 नगद रुपए सशस्त्र बदमाशों ने की लूटपाट, हुए फरार। लुटेरों की आशंका में ग्रामीणों ने फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वालों को, चार युवकों को पीट पीट कर किया लहूलुहान, पुलिस को सौंपा। सभी गोंडा जनपद के निवासी हैं। ग्रामीणों द्वारा मारे जाने के कारण सभी घायल हो गए, जिन्हें सीएससी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने फैजाबाद जिला चिकित्सालय रिफर किया। सभी जिला चिकित्सालय में भर्ती। सूचना पर पहुंचे एसपी ग्रामीण संजय कुमार ने कहा कि शीघ्र ही होगा पर्दाफाश। मौके पर सीओ अरविंद चौरसिया, कोतवाल जयवीर सिंह यादव जांच में जुटे। 7 आदमी 4-5 मोटरसाइकिल से पहुंचे, कहे तुमने चोरी किया है। 4 आदमी को हम ब्रश मंजन करने जा रहे थे, नहाने जा रहे थे, तो हमने कहा भैया हमने चोरी नहीं किया। उन्होंने उसी जगह पर मारना चालू कर दिया, 8-10 आदमी मिल करके, और मारते मारते अपने घर तक ले गए। वहाँ पर लमसम 30 आदमी थे, सरकार बहुत मारे हैं। कहाँ पर मारे, किस जगह? जी अपने दरवाजे पर मारे। कहाँ पर, किस ग्राम में? जी भेलसर गांव से थोड़ा हट करके सिंगल बिल्डिंग बनी है। कब से काम कर रहे हो फेरी का? फेरी का काम जी 3-4 साल से। मवई कब से हो? मवई में कब से? एक महीना हो। कैसे, क्या हुआ था? जी मैं, हम लोग ने सो रहे थे, खाना पीना बनाया, खाया, सो गया और गाँव में बगल चोरी हो गई। 7 बजे सुबह आके हम लोग को जबरदस्ती लाद ले गए, बहुत मारे, 4 लोग थे, बहुत पिटाई किए और वहाँ कोई किसी का सुनता नहीं, झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा। फै
फैजाबाद नगर के सदर तहसील के निकट ठेकेदारों के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुर्सियां जला दी गईं। इसको लेकर ठेकेदार संघ द्वारा विरोध प्रकट किया गया। इस मौके पर ठेकेदार संघ के पदाधिकारीगण व सदस्य मौजूद रहे। पुलिस जांच में जुटी। बताते चलें कि कुर्सी के जलने की वजह से हरा पेड़ भी जल गया। एक तरफ सरकार द्वारा तमाम योजनाओं के तहत पौधरोपण व वृक्षारोपण कराए जाते हैं, पर इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके बावजूद वन विभाग आखिर मौन क्यों है?